सुन के अलावा कुछ नहीं देखा। जब मौला से पूछा गया, मौला ये भाइयों का कटना, ये पर्दों का लुटना, ये बाजारों में आना, ये पत्थरों की बारिश, ये कैसा हुस्न है? तो मौला फरमाते ये हुस्न हुस्न रज़ा इलाही है कि अल्लाह जिस हाल में देखना चाहता है बंदा खुद को उस हाल में देखना चाहे, यही हुस्न रज़ा है। लेकिन आज हम घबरा जाते हैं, परेशानियों में मुबतला हो जाते हैं। आज के जमाने का मसाला क्या है कि इतना तो हमें पता है कि मेरे पास क्या पावर है। खतीब कहता है मैं मेंबर पर आता हूं, अंजुमन का हेड कहता है कि मैं अंजुमन का हेड हूं। हर इंसान अपने वजूद में कुछ पावर्स का एहसास रखता है कि मेरे पास खुदा ने ये ताकत दी है, खुदा ने ये मुझे पावर दिया है। लेकिन मासूम फरमाते हैं तू जिस्मों के पावर को तो जानता है कि तेरे पास इख्तियार कितना है, तेरे पास ताकत कितनी है। जो नौजवान बॉडी बिल्डिंग करने जाता है कहता है मैं 60 kg का वजन उठा सकता हूँ, कोई कहता है अखाड़े में उतर आओ मैं तुम लोगों को जमीन पर बिछाड़ दूंगा, कि इतना पावर है। यानी जिस्मानी पावर पर इंसान नाज करता है, जिस तरह अम्र इब्न अब्दुवत नाज करता था, जिस तरह मरहब अंतर नाज करते थे। लेकिन मौला फरमाते हैं तुझे ये तो पता चल गया तुम्हारी जिस्मानी ताकत कितनी है, लेकिन क्या कभी तुमने अंदाजा लगाया कि तुम्हारी रूहानी ताकत कितनी है? याद किसको पता है कि मेरा रूहानी परसेंटेज कितना है? 10%, 20%, 30% कितना पावर है हमारे रूह में? करबला में वही टिका जिसकी रूह बुलंद थी, न झुकने वाला न बिकने वाला। फरमाया ये वही हो सकता है जिसके अंदर रूहानी पावर हो। आज स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आज हमें यही नहीं पता कि हमारा रूहानी पावर कितना है। बस हम फजाइल में डूबे हुए हैं, अहले बैत के फजाइल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं हमारी फजीलत इतनी बड़ी है कि दुश्मनों ने भी हमारे फजाइल का इकरार किया। फरमाया फजीलत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह एक खुशबूदार फूल है, हर बाजमीर हर फितरत के बेदार रखने वाला इंसान इस फूल की खुशबू की तारीफ करता है। फरमाया अगर हम इल्म रखते हैं लोग हमारे इल्म की तारीफ करते हैं, अगर हम शुजा आए लोगों ने हमारी शुजात की तारीफ की। आज कौन सा पाकिस्तान का चैनल है अगर मुहर्रम के दिन आए इमाम हुसैन की तारीफ ना हो? यही तो कमाल अहले बैत है कि हम उनके बड़ों को नहीं मानते लेकिन वो हमारे बड़ों को मानते हैं, क्योंकि ये फजीलत अहले बैत है कि हम भी मानते हैं जो नहीं मानते हमें लेकिन हमारे बुजुर्गों को मानते हैं, क्योंकि वो फजाइल से भरे हुए थे। कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौला अली शुजा नहीं थे, कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौला अली साबिर नहीं थे, कोई इनकार कर नहीं सकता कि इमाम हुसैन शुजा नहीं थे, कोई सखावत हसन इब्न अली का इनकार नहीं कर सकता, कोई छठे इमाम के इल्म का इनकार कर नहीं सकता। फरमाया क्योंकि ये वो चिराग थे, जब चिराग जलता है तो सिर्फ घर वालों तक रोशनी नहीं जाती, रोशनी दूर तक भी जाती है। फरमाया हम वो चिराग थे जिन्होंने दुनिया को अपने उलूम से रोशन किया, अपनी हिजाज से रोशन किया। तो मौला फरमाते हैं हमारे फजाइल को सब मानते हैं लेकिन फरमाया मसला आकर वहां पर क्लियर होता है, हक को बातिल की शिरास वहां पर होती है जब कोई हमारे फजाइल को भी मानता है और हमारी बातों पर भी अमल करता है, हमारे फरामीन पर भी अमल करता है। आज मसला यह है कि अहले बैत की मजालिस में तो सब आ रहे हैं लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा रही जैसा अहले बैत देखना चाहते हैं। इमाम जमाना भी यही चाहते हैं कि आज लोगों ने कहा जब मौला का वजूद ऐसे खैर और बरकत आए, जब खुदा कह रहा है, लेकिन एक शर्त लगा दी, इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो जाता तो मौला का वजूद भी तुम्हें खैर नहीं दे सकता, बरकत नहीं दे सकता। फजाइल पढ़ो लेकिन ये वजूद तब खैर और बरकत देगा जब दिलों में ईमान आ जाए। एक लुबनान का डॉक्टर है, कहता मेरे बाप किसान है, उसने बड़ी मेहनत करके मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैं डॉक्टर बना, MBBS डॉक्टर। जब वापस आया तनख्वाह अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन कहता है जिंदगी के कुछ ऐसे मसाइल आए कि उन मसाइल की वजह से मैं खुदकुशी करने चला गया। मैंने जहर लिया, पॉइजन लिया, घर आया, जहर को खाना चाहा लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो मेरे बचपन का दोस्त घर में दाखिल हुआ। वो जैसे घर में आया उसने मेज पे जहर को देखा, अरे दोस्त ये क्या कर रहे हो? का जिंदगी के मसाइल ने तंग कर दिया, परेशानियों और आलाम ने हैरत में डाल दिया, बस यही रास्ता था कि मैं जहर खा के खुद को खत्म कर दूं। का लेकिन वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था लेकिन उसमें रूहानियत की ताकत बहुत ज्यादा थी, स्पिरिचुअल पावर बहुत था। आज बच्चों का लेवल पढ़ाइए, ऑल लेवल पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ उनके रूह को भी बुलंद कीजिए। आज सारी तवज्जो इस पर है कि बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, हाँ बनाइए, अहले बैत मना नहीं करते,
फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, जितना उसकी उस स्कूलिंग का ख्याल करते हो उतना ही उसकी आखिरत का ख्याल करो। कि ये कदर है, ये एहसास है कि भाई मेरा बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की फीस 20,000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, तो माल दुनिया की खातिर ये माँ उठना नहीं चाहती, ये बाप उठना नहीं चाहता, लेकिन सुबह को अपने बच्चे को टाइम पे उठाता है, यानी इसकी दुनिया की तो फिक्र है, लेकिन यही बच्चा आखिरत में नमाज न पढ़ने की वजह से जब जहन्नुम में जाएगा इसका पूरा बदन जहन्नुम की आग में जलेगा। कि कब्र की पहली रात मौला फरमाते हैं इतना फिशार कब्र होता है कि हड्डियों से माँ का दूध निकलने लगता है, लेकिन इस बच्चे को नमाज के लिए नहीं उठाना, इस बच्चे को स्कूल तो भेजना है, डॉक्टर तो बनाना है, इंजीनियर तो बनाना है, लेकिन मौला फरमाते हैं वो अली का शिया नहीं जिसके वजूद में गैरत इलाही नहीं। बच्चियों का हिजाब का ख्याल रखा करो, उनकी इफ्फत का ख्याल रखा करो। कि मजलिस हुसैन में आकर इस बात पर रोया जाता है कि बीबी जैनब की चादर को लूटा गया, लेकिन अपनी बच्चियों के हिजाब का ख्याल न रखे, अपने बच्चों की गैरत का ख्याल न रखे। फरमाइए कब होगा, जब तुम्हारे जमीर बेदार हो जाएंगे, जब तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल हो जाएगा। अब इस डॉक्टर को समझाने लगा रूहानी तरीके से मोटिवेशन की, ये अपनी खुदकुशी से मुंसरिफ हो गया। एक मर्तबा सुबह हुई घर गया, अपने बाप को ये डॉक्टर कहता है कि बाबा आपने तो मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो बाप गुस्से में आकर कहता है अरे एहसान फरामोश, मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतना बड़ा डॉक्टर बना, आज इतने पैसे कमा रहा है, इसकी बजाय कि मेरा शुक्रिया अदा करता आज ये कहते हो कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं, मैंने तुझे सिखाया नहीं। का बाबा आपने जितना कुछ मुझे पढ़ाया था अगर कल रात में जहर खा लेता मेरा जनाजा आपके सामने होता, कहां गया पढ़ना, कहां गया लिखना, कहां गई जॉब्स। लेकिन कहता है आकाश वो मेरा दोस्त आपसे मिलता और मैं आपसे मिला था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इतना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर रूहानियत की ताकत रखी थी। कितने मसाइब आलाम आए अहले बैत पे, अहले बैत ने कभी खुदकुशियां नहीं की, वो कभी डिप्रेशन में नहीं गए, वो कभी परेशानियों में नहीं गए। हम क्यों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रूहानी ताकत बहुत कम है।